देश ही नहीं दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कानपुर में भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पे 100 बेड का जीका वार्ड में मंकी पॉक्स का वार्ड बनाया गया है। जानिए कि ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या इलाज है और ये कोरोना से कैसे अलग है। देखिए, ये जो मंकी पॉक्स है 1958 में पहली बार इसको देखा गया था। ये हम उन जानवरों में पाए जाते हैं, ये स्मॉल पॉक्स जैसे हमें आपको याद होगा बचपन में हम लोग को टीके भी लगे थे इसके, उसी फैमिली का, लेकिन ह्यूमन बींग्स में नहीं होता था। लेकिन बाद में जैसे जंगल वर्ग कटने लगे तो ये इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन में देखा गया। और ये जो मंकी पॉक्स है, ये जो अभी रिसेंटली US और UK में पकड़ा गया, वहां से ये स्प्रेड होना स्टार्ट किया, तो ये 76 कंट्रियों में फैल चुका है। इसमें दो वैरायटी है, सेंट्रल वैरायटी है, वेस्टर्न वैरायटी है। जो सेंट्रल वैरायटी है उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा है, 1 में 10, और जो वेस्टर्न वैरायटी वो बहुत बिनाइन है। ज्यादातर जो मंकी पॉक्स है इसकी इन्फेक्टिविटी तुलनात्मक दृष्टि से कोविड के कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसमें जो डेथ के चांसेस हैं बहुत कम है कोविड के दृष्टिगत, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको प्रिकॉशन रखना है, तो उसी के लिए हमारे अस्पताल में कल हम लोगों ने सेमिनार ऑर्गेनाइज भी कराया, कल हम लोगों ने एक मैराथन मीटिंग भी की थी, जिसमें हमने जो मंकी पॉक्स के लिए जो व्यवस्था है कोविड अस्पताल में ही बनाई है। उसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी हमारे यहाँ फीवर रैशेज, अमूमन जो मंकी पॉक्स में देखा जाता है, रैशेज फीवर के साथ में कांटे भी शरीर में होती हैं, जो कि जिसके लिए उस अगर कांटों का सैंपल लेकर के पुणे भेजना पड़ता है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग की सुविधा भी पुणे में ही उपलब्ध है और कहीं नहीं है। तो इसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो MCH ब्लॉक है उसके फर्स्ट फ्लोर में टेस्टिंग रखा है, सेकेंड फ्लोर हमने मंकी पॉक्स वायरस के लिए मेल फीमेल अलग से वार्ड बनाए हैं, सेकेंड फ्लोर पे हमारा कोविड है, फर्स्ट फ्लोर पे मंकी पॉक्स है, थर्ड फ्लोर में जो बच्चे हैं जो मंकी पॉक्स से अगर पीड़ित आते हैं भविष्य में तो उनके लिए हमने अलग से रखा है। इसके अलावा हमने खाली इन्हीं नहीं, अन्य बीमारियों का ध्यान दिया है जो मंकी पॉक्स से ज्यादा घातक है, जैसे डेंगू मलेरिया इत्यादि, उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली हमने। वहां पे हमने एडिशनल 100 बेड और क्रिएट कर लिए हैं ताकि बच्चे या बड़े इन बीमारी से पीड़ित हुए हैं तो उनको हम पर्याप्त इलाज दे सकते हैं।